हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्विच है और ये प्रैक्टिकल वीडियो है जो इंडिकेटर लाइट के ऊपर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारा चीज़ ओपनली खोल दिया है इसको, ठीक है। यहाँ देखिए ये तीन वायर मैंने इसमें से निकाल दिया हूँ जो इंडिकेटर का है, ठीक है। ये सारा कुछ इंडिकेटर का इसमें कोई नहीं है, ये तीन ही इंडिकेटर का है। और यहाँ पे देखिए ये दो रिले मैंने 4 पिन दो रिले लगा के रखा है एक सॉकेट में, इसे कनेक्शन करेंगे। मतलब BS4 गाड़ी में इंडिकेटर लाइट के लिए क्या क्या सिस्टम है, क्या वायरिंग है उसका, जैसे 25-18, 21-18, 37-18, 40-18, ये सब गाड़ियों का। और यहाँ पे देखिए ये है फ्लासर, ठीक है, 3 पिन का फ्लासर है। खैर BS4 गाड़ी में 4 पिन का फ्लासर दे रहा है, लेकिन जो 1 पिन है वो सिर्फ मीटर में जो T लिख करके आता है ना, जो 4 इंडिकेटर का सिंबल रहता है उसके लिए देता है, इसीलिए मैंने इसमें 3 पिन का फ्लासर यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो लाइट है जो दो इंडिकेटर लाइट का काम करेगा, ठीक है। ये दो लाइट हो गया। और BS4 गाड़ी में जाइएगा तो ऐसा स्विच मिलेगा 4 इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक और हमको रिले का उपयोग करना पड़ेगा जो हैजार्ड रिले बोला जाता है, ठीक है, हैजार्ड का, यानी 4 इंडिकेटर का रिले, हैजार्ड रिले। तो अभी मैं इसका कनेक्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप अगर कमेंट करते हैं कि इस पर बनाया जाए इसके साथ, तो ज़रूर हम बनाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ इंडिकेटर लाइट का सिस्टम BS4 गाड़ी में क्या है, कैसे होता है, वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये बैटरी का ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव वायर है। और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वायर है, ठीक है। 24 वोल्ट मैंने कनेक्शन किया हूँ और ये सारा कुछ 24 वोल्ट का, रिले वोले सब चीज़ 24 वोल्ट का है। तो ये है ग्राउंड, और ग्राउंड हमें पता है कि रिले का जो, ये देखिए रिले का ये 4 पिन हो गया। देखिए यहाँ पे ये 2 पिन और ये 2 पिन, ठीक है, ये 4 पिन एक रिले का। तो ये जो ग्राउंड का वायर है ना, ये है 85 और ये है 86, पिन नंबर 86, और ये होता है 87 जो आउटपुट होता है। और ये देखिए ये मैंने दोनों का पिन नंबर जो 30 है ना, वो एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ, इसलिए कि इसमें यहाँ पर हमें जो फ्लासर से आउटपुट निकल रहा है वो देना है, ठीक है। तो वो हमको दोनों में देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही दोनों को आपस में जोड़ दिया हूँ। अब देखिए ये जो ग्राउंड है ना बैटरी का, ये ग्राउंड हम इस दोनों रिले के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये जो ग्राउंड है, ये दोनों रिले का पिन नंबर 86 में हम ग्राउंड दे दिए, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। अब देखिए अब रह गया ये दोनों वायर 85, जैसे ही इसमें करंट आएगा रिले हमारा काम करता है, ठीक है। और ये है आउटपुट, तो ये जो आउटपुट है ना वो डायरेक्ट लाइट से कनेक्शन होगा। तो देखिए ये जो लाइट है हमारा, मैं इस लाइट को एक रिले से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये एक हो गया, और इसको भी ग्राउंड चाहिए तो मैं इस ग्राउंड से कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा एक लाइट हो गया, और दूसरा जो लाइट है वो यहाँ पे जो पिन नंबर 87 है, एक और रिले जो है उसका, उससे इसका कनेक्शन कर देता हूँ, और इसका भी ग्राउंड इसी ग्राउंड में दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए यानी ये हमारा जो दो लाइट आप देख रहे हैं, एक हो गया राइट साइड का और एक हो गया लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब देखिए अब ये जो वायर है ना, जो इनपुट है रिले का, वो हम दे देंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 पिन का जो फ्लासर है, इसके जो आउटपुट पिन, देखिए आउटपुट पिन होता है ये जो मिडिल वाला होता है ना, देखिए देखिए फ्लासर अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अर्थ का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ बैटरी का, तो इसका मतलब ये देखिए L लिखा हुआ है, मतलब L4 लाइट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कनेक्शन इसका कर देता हूँ। ये देखिए तो ये हो गया लाइट का, ये पीला वाला हो गया लाइट का, ठीक है। तो जो लाइट का है वो मैं, ये देखिए ये जो वायर है ये रिले का आउट इनपुट पिन है, ठीक है, और इसको मैं फ्लासर का जो आउटपुट है उससे जोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दो वायर जो आपको दिख रहा है ना, एक में ग्राउंड होगा और एक में पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड का वायर है, इसीलिए मैं इसको ग्राउंड में देता हूँ, सारा ग्राउंड एक ही जगह से दे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये जो वायर है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। अगर आप कहिएगा तो इग्निशन स्विच का भी पॉजिटिव आता है, और डायरेक्ट जो मेन है वो भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आप स्विच देख रहे हैं,
इसमें देखिए इसमें नंबर लिखा होता है लेकिन इसमें स्विच में अभी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 49 और 49A होता है ना वो पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव इनपुट होता है और एक पॉजिटिव आउटपुट होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट मेन दे दिया हूँ। यहाँ पे ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, मैं जब इसके साथ जब बनाऊँगा वीडियो तो आप खुद समझ जाइएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा आता है, इग्निशन स्विच का या डायरेक्ट बैटरी का मेन। देखिए जब इग्निशन स्विच ऑन नहीं रहेगा ना तो डायरेक्ट बैटरी का मेन रहता है अपने आप, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो वो बैटरी का मेन जो है वो चला जाता है और यहाँ पे इग्निशन स्विच का मेन आ जाता है। वो 5-पिन रिले की मदद से ऐसा होता है, ठीक है। वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन स्विच, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्विच का यहाँ पे 3 वायर आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए ये हो गया, ये ब्लू कलर का जो है वो लेफ्ट साइड का है और ये ग्रीन जो है वो राइट साइड का इंडिकेटर का है, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहले ये जो ग्रीन पे येलो दिख रहा है ना, इसमें हमको पॉजिटिव देना है। तो इसमें पॉजिटिव देने के लिए हम ये जो वायर है ना, ये पॉजिटिव वायर, इसमें हम देते हैं पॉजिटिव इसको। ये देखिए ये पॉजिटिव हम दे दिए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो 2 पिन है ना जो रिले को काम करने के लिए इसमें करंट जाता है, यानी इसमें करंट जाने से हमारा क्वाइल में करंट जाएगा और रिले खींच करके पिन नंबर 87 और 30 को दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसमें से ये देखिए ये एक वायर में मैं ये दे दिया, यानी ये देखिए ये हो गया राइट साइड का वायर। तो रिले जो ये आप जो रिले देख रहे हैं इधर वाला, ये राइट साइड का हो गया, मतलब ये राइट साइड का ब्लिंकर का रिले है, ठीक है। और अगर हम इसको इसमें दे दे रहे हैं हम, तो ये हो गया लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ही हम कॉम्बिनेशन स्विच के लीवर को एक देखिए ये अगर हम देखिए अभी लेफ्ट साइड का हम ऑन कर रहे हैं, देखिए ये लेफ्ट साइड का ऑन किए, लेफ्ट साइड का हमारा इंडिकेटर लाइट जलने लगा, ठीक है। ये देखिए ये बंद कर दिए, बंद हो गया। ये देखिए ये राइट साइड का जला है, जलने लगा, ठीक है। और देखिए फिर ये बंद कर दिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड का जला है, जल गया। तो ऐसा काम करता है इंडिकेटर लाइट। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब एक बार और फिर से समझ लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए ये हम क्या किए हैं कि देखिए इसका 3 वायर है, तो एक वायर में हम डायरेक्ट बैटरी का मेन दे दिए हैं, ठीक है। अब ये वायर डायरेक्ट जो बैटरी का मेन कॉम्बिनेशन स्विच में जो जा रहा है, तो ये वायर देखिए ये वायर अगर हम कॉम्बिनेशन स्विच का लीवर से नहीं, अगर हम यहीं से इसको ऑपरेट करना चाहें तो ये वायर हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये ब्लू वाला में जब करंट देंगे तो यहाँ से ये जा रहा है रिले में, और रिले जब काम कर रहा है तो रिले से यहाँ पे पहले से मेन दिया हुआ है, ये मेन यहाँ से निकल रहा है और निकल करके हमारा ये लाइट को ऑन कर दे रहा है, ठीक है। अगर हम छोड़ दिए तो फिर ये बंद हो जाएगा। अब यही मेन को अगर हम फिर ये वाला जो रिले में जो जा रहा है पिन नंबर 86 में, इसको अगर हम इससे टच कर दें तो हमारा ये लाइट ऑन हो जाएगा, देखिए। क्योंकि ये देखिए ये जो करंट है ना, वो करंट जब रिले में जा रहा है पिन नंबर 86 में, तो ये करंट पिन नंबर 86 में जाने से यहाँ पे देखिए पहले से ग्राउंड है 85 में। अब ये ग्राउंड और यहाँ मेन जैसे ही आ रहा है ना, तो ये जो पिन नंबर 30 में हमने जो मेन दिया है वो पिन नंबर 87 से निकल जा रहा है। यानी जैसे ही यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है, ये जो वायर है ये अंदर अंदर जा करके इसमें टच हो जा रहा है। इसके अंदर रिले अगर आप खोलिएगा तो एक क्वाइल मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिले पे अच्छा से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है रिले के ऊपर। मैंने उस वीडियो में रिले को खोल करके उसका क्वाइल हर चीज़ ओपनली मैंने उसमें दिखाया है कि अंदर में होता क्या है रिले के। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है।